अगर आपको कोल्ड कफ हो और फ्लेम हो, यानी कि आपको खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो उस कंडीशन में मैं आपको कलर के कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप लगाएंगे, आपको या अपने बच्चों को, किसी को भी प्रॉब्लम है लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फौरी तौर पर रिज़ल्ट आएगा, चंद दिनों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद, कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेम्बो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में प्रॉब्लम होती है, एसी में ज़्यादा रहने से प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी इशू हो जाता है कि ठंड लग जाती है जिसकी वजह से आपको कफ़ कोल्ड हो जाता है, यानी सर्दी वाली खांसी हो जाती है, फ्लेम के साथ बलगम वाली खांसी होती है, और सीने में कंजेशन हो जाती है बच्चों के, खासतौर पे बड़ों के भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो मैं आपको कलर आप बताने वाला हूँ वो जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे फर्स्ट डे से ही आपको रिज़ल्ट आएगा, और चंद दिनों में इंशाल्लाह बिल्कुल ये कफ कोल्ड भी, खांसी भी ठीक हो जाएगी, चेस्ट कंजेशन भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और बलगम वगैरह भी आना बंद हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ ज़रूरी हिदायत है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा वरना रिज़ल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये जो ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, इसको किसी भी एज के कोई भी लगा सकता है, बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, हर एज के लोगों को ये आप लगा सकते हैं, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कलर्स लगाने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आता तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। नंबर वन तो ये है कि अगर आपने कलर सही जगह पे सही कलर नहीं लगाए होंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। दूसरी सूरत में अगर फिर भी आपको रिज़ल्ट ना आए, कलर भी आपने सही लगाएं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि आपकी नाफ हिली हुई या टली हुई होगी। तो इस वीडियो के एंड में आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट की वीडियो मिल जाएगी, उसको फॉलो करके अपने नाफ को चेक करके सेट कर लें, उसके बाद ट्रीटमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, फिर भी आपको ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आपने कलर्स भी सही लगाए हैं, तो उस सूरत में कोई और आपको कोई कंडीशन हो सकती है, किसी और ऑर्गन का कोई इशू हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप मुझसे जो है ना, आप डायरेक्ट मुझसे रابطہ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, अगर आप कराची में हैं तो मेरे कराची में क्लिनिक है, आप मेरे क्लिनिक तशरीफ़ ले आइए, और अगर कराची में नहीं, पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं या दुनिया के किसी और कंट्री में हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारी आपकी डिटेल्स लेके आपको डायग्नोस करके बताऊँगा आपके कौन से ऑर्गन में कहाँ पर क्या इशूज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम प्रॉपर उसका इलाज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और ये इस आपके जो है ना कोल्ड कफ की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप उसे ज़रूर रब्ता करें। तो चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको कोल्ड कफ हो, चेस्ट कंजेशन हो, तो कफ कोल्ड के अंदर जो हम इसको कलर्स लगाते हैं, उसमें अपने ये करना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड के जो थंब है, अंगूठा, उसमें ये करना है कि जो ऊपर वाले जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर आपने ऐसे ब्लैक कलर लगा लेना है अंगूठे पे, राइट हैंड साइड के अंगूठे पे, और उसके बाद यहाँ से ये लाइन पूरी नीचे तक जाएगी, और ये जो नीचे वाला जॉइंट है, अंगूठे का नीचे जॉइंट है, इस जॉइंट को भी हमने यहाँ से कवर करना है। यहाँ से कवर करने के बाद इसको ऐसे साइड से कवर करना है, और इस बॉक्स बन जाएगा, और इस पूरे बॉक्स को आपने ब्लैक कर देना है, ये पूरा ये ब्लैक हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से आपने पूरा इसको ब्लैक कर देना है। फिर इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड के भी थंब पे आपने ब्लैक कर देना है। ये ऊपर का जॉइंट आप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपने नीचे लेकर आए, और यहाँ से इस जॉइंट पे, फिर यहाँ से पूरे इस एरिया को आपने ब्लैक कर दिया, ये अगर आप देखें अंगूठे को, तो अंगूठे का पूरा ये जॉइंट के नीचे पूरा ये एरिया ब्लैक है। इसको ब्लैक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, येलो कलर लेंगे, और इसके बाद जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड साइड के जो ये आप सेकंड जो एरिया देख रहे हैं, पार्ट फ्लांज, सेकंड फ्लांज, ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के नीचे जो ये जॉइंट है, बीच के बीच जॉइंट के ऊपर एक निशान लगाएंगे, और इसके ऊपर ऊपर वाले जॉइंट के ऊपर एक निशान लगाएंगे।
और ये पूरा एक बॉक्स बना के इसने इसको आपने येलो कर देना है, ठीक है। ये आप येलो कर देंगे पूरे इस एरिया को। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑरेंज कलर लेंगे। ऑरेंज कलर लेके फिर ये जो हमारा राइट हैंड साइड के रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर को, इस दोनों जॉइंट को पहले करेंगे कलर। फिर यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे इस एरिया को, और ये सेंटर वाले फ्लांज को बिल्कुल ऑरेंज से फिल कर देंगे। ये फिल आपने कर दिया, फिर इसी ऑरेंज कलर से ही लेफ्ट हैंड साइड की भी रिंग फिंगर को आपने ये जॉइंट पे किया, और ये फर्स्ट ऊपर वाले जॉइंट को, और ये बॉक्स बनाने के बाद इसको भी आपने ऑरेंज कलर से कर देना है। ये ऑरेंज कलर करने के बाद फिर आप ये करेंगे, स्काई ब्लू कलर लेंगे। स्काई ब्लू कलर लेके जो हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, इसको जॉइंट को कवर करेंगे, ऊपर वाले जॉइंट को कवर करेंगे। इस साइड से निशान लगाएंगे, इस साइड से मार्किंग करके ये पूरा एक बॉक्स की शक्ल बना देंगे लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स में। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, बहुत ध्यान से देख के लगाइएगा कि मैं कौन सी हाथ पे, कौन सी फिंगर पे, कौन से कलर लगा रहा हूँ और किस किस जगह पे लगा रहा हूँ, उसको ज़रूर से। बहुत से लोग जल्दबाजी में कर देते हैं, देखा क्या लगाना है लगा दिया, सही कलर सही फिंगर पे नहीं लगते। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि किसी फिंगर पे गलत कलर लगा देते हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपने गौर से देखना है कि मैं कौन सी फिंगर पे कौन से कलर लगा रहा हूँ, उस वही कलर आपने लगाने, उसी फिंगर पे लगाने, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड की जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर के ऊपर भी जॉइंट के ऊपर हमने कलर लगाया, और ऊपर वाले जॉइंट पे लगाया, और यहाँ से हमने इसको पूरा एक बॉक्स बना के इसको पूरा हमने फिल कर दिया। ये भी इस तरीके से बॉक्स बन गया। अब इसके बाद एक और कलर हमें लगाना है, रेड कलर। रेड कलर लेफ्ट हैंड साइड की जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी वाली उंगली, उसके ऊपर एक जॉइंट पे इसी तरीके से ये कलर लगाएंगे, और ये पूरा इसको बॉक्स बना के इसको फिल कर देंगे। तो ये अगर आप देखें कि जो मैंने लगाए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड की थंब पे हमने ब्लैक कलर लगाया, और इस पर इंडेक्स फिंगर के ऊपर स्काई ब्लू है, फिर यहाँ पे रेड कलर है, मिडिल फिंगर के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज है, स्काई ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, फिर ब्लैक है। इसी तरीके से आपने लगाना है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कफ कोल्ड के अंदर जो हम ट्रीटमेंट में जो कलर्स लगाते हैं, कौन से फिंगर पे कौन से कलर लगाते हैं, इसी को फॉलो करके आप लगाएं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। इसमें जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, वो एक नॉर्मल मार्कर है, जो कि आप कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का कोई भी परमानेंट मार्कर हो, स्केच मार्कर हो, बच्चों के मार्कर हो, कोई भी कलर्स आप लगा लें, सबका रिजल्ट सेम होगा इंशाल्लाह ताला। कलर लगाने का तरीका ये होता है कि ये कलर जो है ना, आप रोज़ाना आप लगाएं, दिन के टाइम में या लाइट की रोशनी में, या लाइट की रोशनी या दिन की रोशनी, उसमें 100% रिजल्ट होता है। रात के अंधेरे में डार्कनेस हो तो उसका रिजल्ट 50% रह जाता है। तो आप कोशिश करें कि दिन की रोशनी में या लाइट की रोशनी में लगाएं, और इस कलर्स को 8 घंटे तक लगा के रखना पड़ता है। इस 8 घंटे के दौरान अगर आप हाथ पर धोने से, वजू करने से किसी वजह से आपके कलर्स हल्के हो जाएं, छूट जाएं या मिट जाएं, तो उसको दोबारा टॉपअप कर लें। 8 घंटे पूरे होने के बाद बेशक कलर्स लगे रहें, मिटे रहें, कोई हर्ज नहीं है, लगा के रख सकते हैं। तो इसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। लास्ट में मैं आपसे एक बात यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे जो बीमारी के, बहुत से डिजीज़ के वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको तमाम बीमारी के ट्रीटमेंट बता दूँ, ताकि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, और किसी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ना पड़े, और आप अपनी फैमिली के खुद डॉक्टर बन जाएँ, आपको हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें, जिसमें ना आपके पैसे खर्च हों और ना ही जो है ना आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए लाजमी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपने तमाम चाहने वालों में शेयर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो लाजमी उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, जो आपके लिए सदका जारिया होगी। मैं भी आपके लिए दुआ गुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे, और अगर किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करें। और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह नेकीबान।